नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। आज की जो क्लास है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, और थोड़ी सी लंबी का मतलब लगभग हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन इत्मीनान से ध्यान से अगर आप आज की क्लास को सुनते हैं, आज की क्लास को आप कंप्लीट पूरा देखते हैं, तो यकीन मानिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम में पॉलिटी से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, भारतीय संविधान से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, सभी के सभी प्रश्न यहाँ पर सही करेंगे। प्रारंभ में मुझे लगा कि मुझे केवल मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में जितना जीएस आता है, जिसमें जितना नंबर पॉलिटी का आने वाला है, उतना ही कवर करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे विद्यार्थी केवल पटवारी के एग्जाम की तैयारी करते होंगे, अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे, अन्य एग्जाम का पेपर भी देते होंगे। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक बड़े भाई छोटे भाई, एक दोस्त के रूप में, कि आपको इतना यहाँ पर नॉलेज दिया जाए, इतनी चीज़ें दे दी जाए कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपके सामने अगर पॉलिटी से प्रश्न बनता है तो वो आपका गलत होना नहीं चाहिए। एक शिक्षक का काम होता है अपने अनुभव के रूप में जो सब्जेक्ट है उसमें से उन बातों को निकाले जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है मैं आपको इतना भी बता सकता हूँ कि आप पॉलिटी में महारत हासिल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, हर एक सब्जेक्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट में पीएचडी करना है, हमें केवल इतना पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमारे एग्ज़ाम में अगर मैं पटवारी के एग्ज़ाम की बात करूँ तो लगभग 25 प्रश्नों में से 4 से 5 प्रश्न आपको पॉलिटी को देखने को मिलेंगे, और जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपको इस आज के वीडियो में से कंप्लीट मिलेंगे। तो आज के वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो ये मानकर चलिए कि पॉलिटी का एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। कोई बुक ना पढ़े, कोई नोट्स ना पढ़े, सिर्फ इस वीडियो को देख ले, इसमें जो जो लिखा है, जो जो मैं बताता चल रहा हूँ उसे नोट डाउन करते चले, तो आपका काम हो जाएगा। फिर बात आएगी कि सर केवल पटवारी के लिए ये वीडियो है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप MPPSC, UPPCS या छत्तीसगढ़ PSC जो भी एग्ज़ाम देते हैं PSC लेवल का, वहाँ पर ये काम आने वाला है, और अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी से प्रश्न आएगा तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। यानी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, मैं ये भी हो सकता है कि आपको एक एक पॉइंट पर बहुत सारी डिटेल में बात करूँ, लेकिन अगर यही काम करना होता तो मैं एक एक टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाता, और उसका कोई मतलब नहीं है। आपके एग्जाम में जो भी वन डे एग्जाम है या मेंस लेवल का एग्जाम है, यहाँ पर आपको समझना यह है कि आखिर प्रश्न बनता कहाँ से है ना। पढ़ने से ज्यादा बेहतर है छोड़ना कि कौन सी चीज मेरे काम की है उसे आपने पढ़ लिया, कौन सी चीज मेरे काम की नहीं है उसे आपने छोड़ दिया। तो मैं वह चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% वहां से प्रश्न बनना ही है, तो बस ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान सभा के बाद में हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बाद हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान में जो सोर्सेस हैं, जो अलग अलग चीजें हैं, किस देश के संविधान से ली गई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब आप बात करेंगे कि सर हमने तो संविधान को जब पढ़ना शुरू किया था तो संविधान को पढ़ते समय हमने देखा था कि कुछ एक्ट है, जैसे 1772 या 73 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, इसके बाद ही पिट से इंडिया एक्ट आता है 1784 में, 1784 में, उसके बाद विभिन्न एक्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शासन होना प्रारंभ होता है, तो क्या उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको पता होगा कि वहां से प्रश्न इतने बनते नहीं है, उसकी और कभी हम चर्चा करेंगे। आज हम केवल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो विद्यार्थी थोड़ा सा सीरियस नहीं है एग्जाम को लेकर, वो इस क्लास को अभी बंद कर सकता है या बंद कर सकते हैं। जिन्हें लगता है कि नहीं सर हमें एग्जाम निकालना है, तो वो इस पूरे वीडियो को देखें, और यकीन मानकर चलिए कि आपको आज कुछ बेहतर फील होगा और आज आपका जो दृष्टिकोण है पढ़ने का थोड़ा सा चेंज होने वाला है। देखिए, मैं थोड़ी सी रूपरेखा बनाने की कोशिश करूंगा, शुरुआत से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या कि जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, जब हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों के शासन के समय यहाँ पर जब भारतीयों द्वारा यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया जाना था, संविधान का निर्माण किया जाना था, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी हमारे सामने कि आखिर हम संविधान का निर्माण करें कैसे।
संविधान के निर्माण करने के लिए कौन कौन सी चीजें होंगी, जैसे कि अगर आप किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने के लिए आपके सामने कुछ चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों को पार करके कैसे आपको काम करना है, ये सभी चीजें उस समय जब 1947 1947 में हमारा देश आजाद होता है तो आजादी के समय बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने थी। तो जब हम आजाद होने वाले थे तो आजादी के समय हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर हम कैसे एक संविधान का निर्माण करें, संविधान आखिर है क्या। तो यहां पर कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं और कुछ विद्वानों ने तो यहां तक कहा है कि संविधान एक पुस्तक है जिसमें नियमों का एक संग्रह है, जिसमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो यहां पर, क्योंकि आप अलग अलग लेवल पर चीजें पढ़ते हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, तो कैसे ये कार्य करना है, किस प्रकार से यहां पर रूल से रहेंगे, नियम रहेंगे, उन चीजों के बारे में जो बताया गया है वो हमारे संविधान में बताया गया है। इस प्रकार से नियमों का एक संग्रह है जिसे हम संविधान कह सकते हैं या नियमों की एक पुस्तक है। यहां तक की बातें क्लियर है। तो अब हुआ क्या, जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी एक संविधान का निर्माण करना। संविधान के निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, और जब संविधान सभा का गठन किया गया तो बस यहीं से हमारे संविधान की जो कहानी है वो शुरू हो जाती है। कैसे, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946। इस डेट को आपको ध्यान रखना है कि कब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा के गठन के बाद यहां पर कार्य होना प्रारंभ होता है। शुरुआत में इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जो कि कभी कभी छोटे एग्जामों में पूछा जाता है कि कितने सदस्य इस संविधान सभा में थे, तो 389 यानी 389 सदस्य इस संविधान सभा में थे, जिसमें से 292 यहां पर ब्रिटिश प्रांत से थे, 23 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य थे जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो एक बात ध्यान रखना, कभी कभी 292 सदस्य बोल दिए जाते हैं और कभी कभी 293 सदस्य हो जाते हैं। तो अगर 292 क्वेश्चन में आता है, वैसे तो इतना डीपली प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाता है तो 292 अगर पूछा जाएगा तो 293 नहीं रहेगा, और 293 अगर रहेगा तो 292 नहीं रहेगा। इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो हमारी संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य थे वो थे ब्रिटिश प्रांत से। उस समय हुआ क्या था, कुछ देसी रियासतें थी जहां पर राजा शासन करता था ब्रिटिश गवर्नर के माध्यम से या ब्रिटिश गवर्नमेंट के माध्यम से, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे जहां पर गवर्नमेंट सीधे शासन करती थी, और कुछ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिस प्रकार से आज यूटी है उस प्रकार से वहां पर था। तो इन ये जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों से 389 सदस्यों को चुना गया संविधान सभा के लिए। तो ध्यान रखना है, दो प्रश्न क्या पूछे जाएंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो पहली बार जुलाई 1946 जुलाई में इसका गठन होता है, और इसमें कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, साथ ही 93 जो सदस्य थे वो थे देसी रियासतों से, और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। अब बात ये आती है कि प्रश्न एक क्या पूछा जाता है, जो वन लाइनर या वन डे एग्जाम में पूछा जाता है, कि जो भारतीय संविधान सभा थी, संविधान सभा का गठन कब हुआ ये तो हमें पता है, लेकिन इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ। तो ध्यान रखना, 389 सदस्यों को डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना था, और जब जनता सीधे रूप में अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनती है तो उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी इन 389 सदस्यों को जनता ने ना चुनकर यहां पर अन्य तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ था, अन्य तरीके से इनका निर्वाचन हुआ था, इसलिए ये जो निर्वाचन था ये था अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रश्न क्या आएगा कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के जो मेंबर थे, 389 जो सदस्य थे, उनका यहां पर निर्वाचन होता है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, चूंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन जाता है, जो कि हमेशा यहां पर प्रश्न पूछा जाता है। आप सभी ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा। तो प्रारंभ में जब डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान सभा में चुनकर आए तो इनका चुनाव हुआ था यहां पर बंगाल से, है ना, लेकिन बाद में इनका चुनाव होता है बॉम्बे से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे, डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय संविधान सभा में पहले चुनाव हुआ था
बंगाल से, और उसके बाद उसका उनका चुनाव होता है बॉम्बे से। यहां तक की बातें क्लियर है। तो हमने क्या देखा, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। जब संविधान सभा का गठन हो गया, सदस्य यहां पर चुन लिए गए, तो अब बात यह आती है कि संविधान सभा का अध्यक्ष भी होना चाहिए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, चूंकि उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना था वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इसमें एक बात और विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि इन्हें कब चुना गया, तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो 3 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और हर एग्जाम में कभी ना कभी या तो पूछे गए हैं या पूछने वाले हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन या उन्हें कब चुना गया, तो ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946, ये डेट आपको ध्यान होनी चाहिए, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को जब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, तो यहां से एक प्रश्न और बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर हुई, तो इस संविधान सभा की पहली बैठक होती है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में इस संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, वहां पर जो पुस्तकालय भवन है वहां पर इसकी बैठक होती है। और 9 दिसंबर के बाद ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी के रूप में, ना यहां पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए, 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए, तो 11 दिसंबर 1946 को। कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें आप IMP लिख सकते हैं कि 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। इसके बाद हुआ क्या, ठीक 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत होता है जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा इस संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव जब भारतीय संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो इस पर विचार विमर्श होने के बाद इसे 22 जनवरी 1947 को पास किया जाता है। ध्यान रखना है एक एक डेट, जो डेट मैं बता रहा हूं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूरे संविधान में बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे दिन हैं, लेकिन उन्हें मैं नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आना है। तो 13 दिसंबर 1946 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, उस पर विचार विमर्श होता है। और 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्ताव, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, ये प्रस्तुत हुआ और 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ। क्या प्रश्न बनता है यहां से, प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। कई सारे ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपका सही आंसर होना चाहिए यहां पर पंडित नेहरू। इसके बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली, 1947 में 22 जनवरी के दिन। अब आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में जुड़ा गया।
तो एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे यहां पर किस नाम से भी जाना जाता है, तो उसे भारतीय संविधान की उद्देशिका के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रस्तावना कुछ और नहीं बल्कि वही है जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यहां तक की बातें क्लियर हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिलती है, और बाद में यही हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहलाता है। इसके बाद में हुआ क्या कि ये जब हमारा संविधान बन रहा था तो इस संविधान को बनाने के साथ ही कई सारी समितियों का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि संविधान, हमारा जो संविधान है आप सभी जानते हैं, भारत का संविधान एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा लिखित संविधान है। इस लिखित संविधान को ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक व्यक्ति बना पाए, इसके लिए कई समितियों का गठन किया गया, और उन समितियों के माध्यम से उन्हें अलग-अलग कार्य सौंपे गए जिन पर कार्य करना उन समितियों का कार्य था। लगभग हमारे संविधान में देखा जाता है कि लगभग 13 समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से 4 से 5 समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। एक समिति है जिसका नाम आपने सुना होगा, प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनको आप सभी जानते हैं, इनका नाम आप सभी जानते हैं, और आपने प्रारूप समिति का नाम हमेशा सुना होगा। तो प्रारूप समिति का गठन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अध्यक्ष बने। यहां से प्रश्न ये आता है कि प्रारूप समिति का गठन किस तारीख को हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को ये जो प्रारूप समिति थी इसका गठन होता है। साथ ही समिति में 7 मेंबर थे, आप अलग अलग नाम सुन दे होंगे, अल्लादी कृष्णमा स्वामी, डीपी खेतान, इसके साथ ही बीएल मित्र, जो कि अलग अलग यहां पर देखने को मिलते हैं, टीटी कृष्णमाचारी, इसके सदस्य थे। लेकिन आपको इतना डिटेल में जानना नहीं है, आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान सभा में एक समिति थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन होता है, और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ही 7 मेंबर थे। तो अब आपको ध्यान रखना है यहां से प्रश्न क्या बनता है और क्या क्या प्रश्न यहां पर उलझा सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति का निर्माण या गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कितने मेंबर थे, तो आपको ध्यान रखना है 7 मेंबर, सॉरी भारतीय संविधान सभा नहीं बल्कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, तो यहां पर 7 मेंबर थे। लेकिन यहां से एक प्रश्न जो आपको उलझा सकता है, प्रश्न ये था कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर थे, तो आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष के अलावा 6 मेंबर। क्यों? क्योंकि यहां पर अध्यक्ष के रूप में 7 मेंबर और उनके अलावा 6 मेंबर है ना। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया, तो कई विद्यार्थी भावनात्मक रूप में या भावनाओं में आकर इसका आंसर लगा देते हैं डॉक्टर अंबेडकर, तो इसका बिल्कुल ये गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, BN राव है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, BN राव, जिन्हें हम बेनेगल नरसिंह राव के नाम से भी जानते हैं, इन्हें यहां पर एक सलाहकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। और BN राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, इसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए कि हाँ ये प्रारूप कैसा बना है, इसमें क्या चीज हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए समिति का नाम रखा था प्रारूप समिति। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था BN राव ने, जो कि भारतीय संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए समिति का गठन हुआ था जिसका नाम था प्रारूप समिति। ठीक है, इस प्रकार से हमारे संविधान में बहुत सारी समितियां थी। एक दो समितियां और है जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। इसके साथ ही यहां पर संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
और भी यहाँ पर बहुत सारी समितियां थी जो यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण समितियां यही है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा संविधान कई समितियों के माध्यम से और कई लोगों के द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाता है। तैयार होने के बाद हमारा संविधान 29, यहाँ पर अगर हम बात करें हमारा जो संविधान था, इस संविधान की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है, इस संविधान को पारित किया जाता है। ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को पारित किया जाता है और उस समय इसके कुछ अनुच्छेदों को यहाँ पर लागू भी किया जाता है। लेकिन हमारा संविधान मूल रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो कई बार ये प्रश्न हमें उलझा देता है और कई बार हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, लेकिन इसे पारित कब किया गया, तो सॉरी इसे लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। जब इसे लागू किया गया तो हमारे संविधान में मूल रूप से आप देख पा रहे होंगे, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बाद में अनुसूचियों की संख्या बढ़ी, भाग उतने ही है और अनुच्छेद नहीं है। लेकिन अब कुछ विद्वान साथी ऐसा कहेंगे कि सर हमने तो सुना है कि हमारे संविधान में 395 से ज्यादा अनुच्छेद है। देखिए, अगर हम काउंटिंग की बात करें, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो अंतिम संख्या है हमारे संविधान में अनुच्छेदों की, तो वो 395 ही है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हुए जो बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, जैसे कि 21A। तो अगर हम इस प्रकार से जोड़ते हैं तो 395 से ज्यादा अनुच्छेद है। ठीक ऐसे ही अगर हम भारतीय संविधान के भागों की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, या अनुसूचियों की बात करते हैं तो अनुसूचियां तो देखने को मिलेगी यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन अगर हम भागों की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से अगर हम देखें तो क्रम के रूप में अंतिम जो भाग है वो भाग 22 ही है। इस प्रकार से हमारा संविधान जब बना तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अनुसूचियां बढ़कर यहाँ पर 12 हो गई है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से थी हमारी संविधान सभा। आपको ध्यान रखना है कुछ फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें लगभग 63 लाख के आसपास इसमें खर्चा आया था इसे बनने में। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो ये ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए जिन्हें 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन चुना गया। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि जब भारत का संविधान पारित हुआ, जब लागू हुआ, तो इस पर कितने अध्यक्षों या कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 284 सदस्यों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए, इस संविधान को पारित किया। देखिए हुआ क्या, 389 सदस्य थे। बाद में यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि यहाँ पर सदस्यों की संख्या 284 थी जिनके द्वारा इस संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है और पूछा गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के बाद प्रस्तावना। हमारे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा। तो आखिर हम इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। देखिए, जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं, आर्टिकल 32 की बात करते हैं, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और ये वो आर्टिकल है जिसके द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है ये कुछ रिट जारी करती है। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, यहाँ पर जो रिट जारी होती है यहाँ पर, यह प्रस्ताव जो आपका मौलिक अधिकार है इनके संबंध में यहाँ पर बात की गई है कि ये जो आर्टिकल है इसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना को हमारे भारतीय संविधान में आत्मा के रूप में जाना जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो वह है प्रस्तावना। तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा,
तो प्रस्तावना आंसर नहीं लगाना है। अगर प्रश्न सीधा आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा है, तो फिर इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। यहां तक की बातें क्लियर है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना वही है जो उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर या बात करते हैं पंडित नेहरू ने यहां पर 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को जब 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिली थी, तो उसी को हमारे प्रस्तावना को यहां पर जोड़ा गया। इस प्रस्तावना में हम देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, इस प्रकार से इस प्रस्तावना को पूरा हम पढ़ते हैं। लेकिन यहां से प्रश्न क्या बनता है, या इस प्रस्तावना को पूरा देखते हैं संपन्न प्रभुत्व, इस तरीके से हम इस प्रस्तावना को देखते हैं, तो इस प्रस्तावना में है क्या, है ना। देखिए अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना से क्या प्रश्न पूछा जाना है उसको देखिए। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो पहला जो प्रश्न इससे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में जो तीन शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। फिर दूसरा पूछा जाता है कि भारतीय जो संविधान है या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या यह संविधान का मूल अंग है। तो प्रारंभ में क्या हुआ कि एक केस आया बेरुवाड़ी यूनियन वाद, ये सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। इस केस में कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का अंग नहीं है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और जिसने कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, और अगर संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। इसमें संशोधन तभी होगा जब आप मूल ढांचे को प्रभावित ना करें। अगर इससे मूल ढांचा प्रभावित होता है तो संशोधन नहीं कर सकते। वरना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा कि संविधान का यह हिस्सा है, संविधान का यह अंग है, इसलिए जो हमारी प्रस्तावना है उसमें भी यहां पर संशोधन हो सकता है। और उसी के परिणाम स्वरूप 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके द्वारा भारतीय संविधान सभा, ये बात करते हैं हमारी संविधान की प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। यहां तक की बातें क्लियर है। तो यहां से केवल ये दो प्रश्न ही बन सकते हैं कि वह कौन सा केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ध्यान रखना है बेरुवाड़ी यूनियन वाद। अगर वह कौन सा केस है जिसमें कहा गया कि संविधान का अंग है प्रस्तावना, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब चूंकि हमने देखा संविधान सभा प्रस्तावना के बारे में चर्चा की, तो हमारे संविधान में हमने देखा था 8 अनुसूचियां थी, तो उन अनुसूचियों के बारे में हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। यानी जितने भी राज्य है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे संबंधित जितना भी विवरण है वह भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में देखने को मिलेगा। कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान की ये जो पहली अनुसूची है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है, तो हमारे देश में वर्तमान में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, यहां से एक प्रश्न अगर मान लीजिए बनता है उदाहरण के लिए, है ना, कि अगर किसी नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होता है तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन आएगा। तो ध्यान रखना परिवर्तन आएगा पहली अनुसूची में। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। फिर बात आती है अनुसूची 2 और अनुसूची 3, इन दोनों को साथ में पढ़ना है। इनमें दिया गया है कि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके साथ ही राज्यपाल, राज्यपाल के साथ ही अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद में सभापति या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनके जो वेतन भत्ते व पेंशन है इसके बारे में बताया गया है अनुसूची 2 में। और अनुसूची 3 में इन्हीं पदाधिकारियों के बारे में, राष्ट्रपति है, विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा उपाध्यक्ष है, इनकी शपथ के बारे में चर्चा मिलती है। ध्यान रखना पहले वेतन मिलेगा, उसके बाद यहां पर शपथ देखने को मिलेगी अनुसूची 3 में। फिर अनुसूची 4, अनुसूची 4 में राज्यसभा में जो
विवरण देखने को मिलता है राज्यसभा में, यानी कि जैसे मानकर चलिए स्टेट से कितने सदस्य यहाँ पर राज्यसभा में मनोनीत होंगे या निर्वाचित होंगे, और यूटी से कितने सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य यहाँ पर राज्यसभा में निर्वाचित होंगे, उसके बारे में जानकारी मिलती है अनुसूची चार में। फिर अनुसूची पांच और अनुसूची छह को एक साथ पढ़ना है। अनुसूची पांच कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा करता है अनुसूची पांच। वहीं अनुसूची छह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य है यहाँ की जनजातियों के बारे में, इनके प्रशासन के बारे में चर्चा करता है। तो ध्यान रखना है अनुसूची पांच में अनुसूचित क्षेत्रों व एसटी यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया है, और अनुसूचित छह में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। सीधा प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न यह आएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में या अनुसूचित छह में किन चार राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। तो अब आप कहेंगे सर हम इन्हें याद कैसे रखें, तो देखिए मैं सिंपल से एक फॉर्मूला या मैप बताता हूं जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। आप देखते होंगे हमारा जो भारत है, भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना, ये इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है असम, यहां पर है मेघालय, मेघालय के बाद अगर हम बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप सिक्वेंस से देख पा रहे होंगे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन चारों जो राज्य है यहाँ की जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो विवरण मिलता है वो मिलता है अनुसूची छह में। इसके साथ ही अनुसूची सात, सात से आप ध्यान रख सकते हैं, सात से अनुसूची सात या अनुसूची सात से आप ध्यान रख सकते हैं सूचियों के बारे में। अनुसूची सात में सूचियों का वर्णन मिला है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब ये क्या होता है, हमारे संविधान में कानून बनाने की जो शक्ति है वह राज्य को भी है और संघ को भी है। तो बात ये आती है सर कि कौन सा कानून संघ बनाएगा, कौन सा कानून राज्य बनाएगा, तो इसके बारे में बंटवारा किया गया। और जो कानून संघ बनाएगा उसे हमने कह दिया संघ सूची, केंद्र बनाएगा जिसे हम संघ सूची कहते हैं। जो कानून राज्य बनाएगा उसे हम कह दिया राज्य सूची, और जो कानून दोनों बनाएंगे संघ भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। लेकिन एक बात मानकर चलिए अगर यहां पर विरोध आता है कि समवर्ती सूची पर राज्य ने भी कानून बनाया और केंद्र ने भी बनाया, अगर कानून एक है तो किसका मान्य होगा, तो फिर वो केंद्र का कानून मान्य होगा। तो अनुसूची सात में सूचियों का वर्णन है। यहां पर कुछ अंतर भी देखने को मिलता है, प्रारंभ में संघ सूची में यहां पर कुछ विषय थे उन्हें थोड़ा बढ़ाया गया, राज्य में ज्यादा थे कम हुआ, और समवर्ती सूची में भी बढ़ाया गया। लेकिन आपको केवल इतना ध्यान रखना है अनुसूची सात में सूचियों का वर्णन है। अनुसूची आठ की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की जो मूल रूप से जो आठ अनुसूचियां थी जिसमें जो आठवीं अनुसूची है उसमें भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। हमारे संविधान में मूल रूप से अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया, इतना आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रारंभ में आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी जो अब 22 भाषाओं के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। अलग अलग संविधान संशोधन हुआ जिसके माध्यम से भाषाओं को जोड़ा गया। इसके बाद अब ये जो चारों अनुसूचियां हैं, ये मैंने लास्ट की अनुसूची क्योंकि स्पेस कम थी, जगह कम थी, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है, इन्हें हमने बाद में जोड़ा। क्योंकि आपने देखा है कि प्रारंभ में जो हमारा संविधान था मूल संविधान में आठ अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो इन चारों को एक साथ ध्यान रखना है। देखिए नवी अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ी गई जिसमें संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में देखने को मिलता है। दसवीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जिसमें दल बदल कानून मिलता है। 11वीं और 12वीं अनुसूची यहां पर स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या 93, कहीं कहीं आपको 1992 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 1993। अगर प्रश्न 92 आता है तो 92 सही लगाना है, 93 आता है तो 93, यानी यहां पर कभी ऐसा नहीं होगा कि 92 और 93 एक साथ देखने को मिलेगा। यानी 11वीं और 12वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित यहां पर देखने को मिलता है जिसमें 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं,
और 12वीं अनुसूची में नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित चीजें देखने को मिलती है, जिसमें 18 विषय देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें क्लियर है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोत। अन्य देशों से हमारे संविधान में कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे सबसे पहले यूएसए, यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका संविधान से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति साथ ही महाभियोग की जो व्यवस्था है यह किस संविधान से ली, तो ये यूएसए के संविधान से लिया। ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार, जितने भी विशेष अधिकार है संसद से संबंधित वो हमने ब्रिटेन से लिया। साथ ही विधि का शासन लिया, अध्यक्षात्मक प्रणाली की जगह पर हमने संसदीय जो प्रणाली है वो कहाँ से ली, वो ली हमने ब्रिटेन से। अगला है जर्मनी, जर्मनी से आपातकाल संबंधी प्रावधान हमने लिए। आपातकाल के संबंध में आप सभी जानते हैं, आपातकाल संबंधित प्रावधान जर्मनी से मिले। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व व राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। आप सभी जानते हैं कि मनोनयन की बात अगर हम बात करें या मनोनयन की बात करें तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति यहाँ पर राज्यसभा में, जो कि अलग अलग चीज़ों से संबंधित, जैसे कि कला है, साहित्य है, विज्ञान है आदि, इन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं जिन्हें राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हम प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक, आप सभी जानते हैं आर्टिकल 108 के तहत यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और ये हमने जो प्रावधान लिया है ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। देखिए संयुक्त बैठक अगर होती है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की विधि ली है आर्टिकल 368 के तहत, यानी जैसे मान के चलिए आपने पढ़ा अनुसूची 9 जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 है, तो ये संशोधन कहां से लिया, ये लिया संविधान संशोधन की विधि दक्षिण अफ्रीका से। फिर फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च यहाँ पर जो व्यक्ति है वह यहाँ पर राजा का पुत्र या बात करते हैं वंशानुगत नहीं होगा, वह निर्वाचित होगा। लेकिन सीधी सी बात यह है कि गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो सबसे मुख्य है यहाँ पर वह वंशानुगत जो व्यवस्था है उससे नहीं आया होगा, यानी राजा का बेटा यहाँ पर राजा नहीं बनता है, बल्कि ये व्यवस्था नहीं होती है, उसे हम कहते हैं गणतंत्र। तो प्यारे साथियों, मैंने सोचा तो था कि आज की क्लास में हम सभी चीज़ें कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अनिवार्य कार्य आ जाने की वजह से आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ से जितने प्रश्न बनेंगे आपके सारे प्रश्न बनेंगे, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। अगर मेरी कोशिश रहेगी कि इससे आगे की जो चीज़ें हैं अगले किसी वीडियो में मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।